तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग की। जी हाँ, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। अब इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग होता है क्या है, ये चीज को जानते हैं। बेसिकली हमने आपको प्रीवियस में सीट इवेंट बताया था कि जैसे कि मैं टाइप करूं तो सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक हो जाए, जितना टाइम करूं उतना ही टाइप हो, बाकी टाइप ना हो, वगैरह वगैरह। आपने आई थिंक किया भी है उस पर प्रैक्टिस। अब जो बारी आती है वो आती है फाइल इवेंट की, कि एक पर्टिकुलर फाइल पे क्या क्या इवेंट हो सकता है। तो हम ये करना ये चाहते हैं कि मेरा फाइल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सपायर हो जाए। पहला टॉपिक ये रहेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो एक्सपायर हो जाए, राइट सर। राइट दूसरा कि अगर एक टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक्सपायर ना हो, तो एक फाइल में मैं डबल लॉक सिस्टम लगाना चाहता हूं। फाइल के अंदर डबल लॉक सिस्टम। अरे डबल लॉक सिस्टम क्या होता है? डबल लॉक सिस्टम ये होता है कि पासवर्ड, जब भी वो फाइल क्लोज हो, पासवर्ड चेंज हो जाए। पासवर्ड क्या तो मेल पे आ जाए, या फिर किसी एक नोटपैड या किसी एक फाइल वर्कबुक में, एक सिंपल सा वर्कबुक में वो पासवर्ड डाल दी जाए। ओके ओके चलिए, तो हम करके दिखाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बात करेंगे फाइल में ओपनिंग पास, ये क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट लगाना। तो एक नया फाइल मैं लेता हूं, बुक वन। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं, सेव कर दिया। मैं कर देता हूं डाउनलोड में, और यहां पे exp। अब मुझे क्या करना है, डेवलपर में विजुअल बेसिक, और इसमें जाना है, यहां डबल सीसी दिस वर्कबुक पर डबल क्लिक करना है, और यहां पे वर्कबुक और मेरा कमांड बाय डिफॉल्ट ओपन आके ओपन में ही करना है। यहां पे करना है डिम एसटी स्टार्ट डेट एज ए डेट, और फिर डिम डेज काउंट करेगा। डी इक्वल टू टुडे, टुडे में हम डेट डाल देते हैं, डेट माइनस एसटी क्या है, एसटी पे आपको अपना स्टार्ट डेट डालना है। जैसे कि मैं यहां पे 1 दिसंबर 2020 डाल दिया, 1 दिसंबर 2020 से हमारा फाइल स्टार्ट हो गया है। यहां पे कोड आएगा कि इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 या 31, एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू हम पासवर्ड डाल दें, ठीक है। देन ऑल्सो एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, मैसेज देगा एनएसजी बॉक्स योर फाइल वर्क डॉट क्लोज। मैं आप लोगों को गांधी जी मैं आप एसपी इज इक्वल टू 1 दिसंबर हाँ, यहां पर मैंने डाल दिया अपना स्टार्ट डेट कि आपकी फाइल एक्सपायरी डेट कब से काउंट होनी चाहिए, ठीक है। सेट कर, डी में डेट, अच्छा डेट आज भी डेट कर दिया आपने महीने से, ओके ठीक है। ओके फिर ओके यहाँ पर डेट का क्या कर रहा है, जिस दिन ओपन हो रहा है उस दिन से उसका डेट का कैलकुलेट कर रहा है, चेक कर रहा है कि अगर 30 से ऊपर है तो फाइल में सबसे पहले तो पासवर्ड डाल दें, फिर एक्टिव को सेव कर दें, मैसेज बॉक्स को यहाँ पे एक्सपायर लिख दें, और फिर क्लोज कर दें। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि फिर कोड अगर किसी को पता चल गया कि भाई इसमें एक्सपायरी डेट लगी हुई है तो कोड में जाए कोई चेंज कर सकता है ना। तो हाँ हम यहां हम अपने
इसमें क्या बोलते हैं वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे और यहां पे हम अपना प्रोटेक्शंस और यहां पे हम अपना पासवर्ड लगाएंगे। ये नहीं खोल सकते क्या? आ गया कि बिना पासवर्ड के आप अपना फाइल खोल ही नहीं सकते, सॉरी फाइल नहीं क्या बोलते हैं वीवीए कोड नहीं खोल सकते। अच्छा वीवीए कोड ठीक है, अब मैं इसको यहां सेव करता हूं, सेव कर दिया, मैं फाइल को ओपन करता हूं यहां पे ओपन, यहां से फाइल ओपन है क्योंकि 30 दिन पूरे नहीं हुए है ना। अब यहां पे कोड आप देख लीजिए, एक मिनट कोड खोल पा रहा हूं मैं, ओके हाँ मैंने पूरा फाइल बंद नहीं किया, जब पूरा फाइल बंद कर दूंगा तब कोड पे होगा तो हो जाएगा। पासवर्ड अभी बंद नहीं हुआ है, बना पासवर्ड पूछेगा आपसे, ठीक है सर। चलिए इस फाइल को लॉक किया जाए, तो ध्यान रखिए एक बार लॉक हो जाएगा तो फिर अनलॉक करना मुश्किल होगा, ठीक है। अनलॉक जब जब हम विजुअल बेसिक में जाएंगे उस फाइल में तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड पूछेगा। हाँ पूछेगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ इसको बंद कर, फाइल एक बार बंद कर देता हूँ मैं एक्सेल के बाद, क्योंकि मेरा जो ये प्रोजेक्ट में सेटिंग है ना कि जैसे ही मैं ओपन रहेगा वीवीए एक्सेल ओपन रहेगा तो वीवीए भी ओपन रहेगा। अब मैं यहाँ ओपन होगा, हाँ चलो इसी पे जाइए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए था। और बीवी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, ओ माफ कीजिएगा मैं इस लॉक तो किया ही लॉक पे क्लिक नहीं किया, तो जो है मैं अगर इसको सेव कर दूं और अब मैं यहां से ओपन करता हूं एक्सेल अपना, यस यस गुड वन, हां सर ठीक है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सीट में लॉक लगाया तो मैं इसको ये कर देता हूँ दिसंबर की जगह पे मैं कर देता हूँ नवंबर, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया मैंने, वापस हम यहाँ एक्सेल पे आते हैं, एक्सेल खोलते हैं। Yeah. Okay. Yes. अब मास्टर फिर से दोबारा ट्राई करेंगे पासवर्ड, और मान लीजिए किसी तरह से क्रैक कर लिया उन्होंने, चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। पासवर्ड पता भी कर लिया तो उसको वही दिखाएगा एक्सपायरी है तुम्हारी फाइल। अब मान लीजिए इसमें से एक्सपायरी हटाना हो तो कैसे हटाइएगा बोलिए, प्रोग्रामिंग में जाके उसको हटा दो, फाइल खुलेगी तो ना प्रोग्रामिंग में जाएंगे आप, अच्छा खुलेगी नहीं हमारे लिए भी नहीं खुलेगी, हाँ एक्सपायर्ड हो गई के लिए। सर ये वीबीए का फाइल ओपन करके दूसरा सर, फाइल सर अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम चेंज कर देंगे तो क्या होगा? हाँ ये हो सकता है सिस्टम का डेट एंड टाइम चेंज करेंगे तो, लेकिन पता कम ना कि डेट टाइम चेंज करना है उसको, बट वो पता होना चाहिए ना कितना चेंज करना है डेट एंड टाइम। जी हाँ तो लेकिन अगर से रहेगा मोस्टली अगर समझो किसी ने उसको एक डेढ़ महीने या तो पासवर्ड फिर क्रैक, पासवर्ड डबल प्रोटेक्शन है ना सर, पासवर्ड लगाया ना सर उसको चेंज करना पड़ेगा, एक्सेल की फाइल पासवर्ड भी तो देना पड़ेगा, एक बार प्रोटेक्शन चल गया उसने पासवर्ड अप्लाई कर दिया,
अब सिस्टम का डेट भी चेंज कर लेंगे, पासवर्ड ओपन कर लेंगे, पासवर्ड तो डालना ही पड़ेगा ना। पासवर्ड डालना ही पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं होगा कि मतलब बैक डिलीट कर दिया तो वो पासवर्ड ही पूछेगा नहीं सर। दूसरा एक फाइल ओपन करके उसमें वीबीए चला के वो वीबीए वीबीए का पासवर्ड कौन दिखाएगा फिर आपको? वीबीए का पासवर्ड, इसीलिए ये पासवर्ड इसका नहीं है। वो तो ठीक है, मान लो आपको पासवर्ड आपको चेंज करना, यू हैव प्रोग्राम को चेंज करना है, ठीक है। थर्ड पर्सन जो है वो तो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वीवीए कोड में पासवर्ड लगा है, फाइल के अंदर पासवर्ड लगा है। उसको समझेगा, समझ में आएगा तो उसको पहले तो वीवीए कोड चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कोई बैक डेटर में कितना दिन रहेगा सर? हाँ सही बोल, उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से काम करना बंद कर देंगे सर जी। जी हाँ, तो उसका तरीका है कि आपको सिक्योरिटी में जाके आपको करना पड़ेगा यहाँ पे डिसेबल विथ नोटिफिकेशन, ठीक है। जब आप माइक्रो डिसेबल विथ नोटिफिकेशंस कर देंगे देन ए फाइल आपका ओपन होगा विथ पासवर्ड। ओके, ओपन हो गया, बट इसमें माइक्रो फीचर वर्क नहीं करेगा। जैसे वो मेल अनेबल कंटेन करेगा वापस वो माइक्रो चल जाएगा। सही, तो घुमा फिर के वही बात होगी ना फिर तो। क्योंकि यहाँ पे जाके आप अपना चेंज कर लेंगे। अच्छा, वन टाइम ओपन होगा ये फिर? नहीं, पासवर्ड डाला इसको ओपन करने के लिए, पासवर्ड तो डाला ही मैंने, वीवीए कोड को ओपन करने के लिए पासवर्ड तो डालना ही पड़ेगा ना सर। वो तो पासवर्ड डाला ही मैंने। तो शीट को ओपन करने के लिए डिसेबल माइक्रो करना है और वीवीए को एनेबल करने के लिए पासवर्ड डालना है, करेक्ट? हां जी हां। मतलब ये फाइल का जो मैक्रो है उसको रन नहीं करवा के हम इसको ओपन करके फिर उसमें चेंज करेंगे, क्योंकि इवेंट मैक्रो तभी आपका वर्क करेगा जब आपका मैक्रो अनेबल होगा। इस डिसेबल किया जाता है, बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं रखा जाता ताकि कोई इवेंट आए तो ऑटोमेटिकली इवेंट ना चल जाए। करेक्ट करेक्ट, आपने ओपन पे रखी हो ना तो ओपन पे सबसे पहले सब कुछ हो रहा है। जी हाँ जी हाँ, समझ गए। दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या था हमारा? तो सर इसको इसको डबल लॉक बोलते हैं। नहीं, इस पे एक्सपायरी डेट लगाना हुआ। डबल डेट का मतलब हुआ कि आपकी, जैसे कि मेरे ऑफिस में क्या था कि हमारे पास एक क्लाइंट के कार्ड डिटेल्स थे। क्लाइंट के कार्ड पहले क्या था, ईसीएस नहीं चलता था ना सर। तो क्लाइंट अपने कार्ड डिटेल्स में दे देता था, बोलता था कि आपको जब परचेज करो इंटरनेशनल कार्ड डिटेल, जब आप मतलब कि हम यात्रा इसमें थे fairfuel.com पे थे, टिकटिंग का काम होता था। ओके, वहाँ पे जो बड़े बड़े क्लाइंट है उनके टिकट हमेशा बुक होते रहते थे, उनके पता नहीं कब कहाँ निकल जाए, इसलिए एक टिकट हमेशा रिजर्व होता था हर फ्लाइट में उनका। तो वो लोग अपने कार्ड डिटेल्स हमें दे देते थे कि आप जो है माने कि एक माने पीरियड बता देते कि इतने तक इतने तक इतने तक आप जो है एक फ्लाइट बुक करके रखो कि एन ओ में तो मुझे सीट मिलना चाहिए, बिजनेस क्लास से जेट क्लास का सीट हमें मिलना चाहिए। तो वो फाइल ओपन करने के लिए सिक्योरिटी लगाना था कि वो एक्सेल फाइल अगर आपको ओपन करना है तो आपको दो पर्सन की नॉलेज होनी चाहिए। डबल एंट्री सिस्टम। हाँ, तो उसमें होता है क्या था कि एक फाइल जो है दूसरे मैक्रो बना हुआ था, मैंने उसे बनाया हुआ था यहाँ पे, हमने यहाँ पे लगाया था वर्कबुक, ओपन की जगह हमने लगा दिया था क्लोज पे, बिफोर द क्लोज यहाँ होगा, बिफोर सेव बिफोर क्लोज पे हमने लगाया हुआ था। बिफोर क्लोज पे हमने क्या किया हुआ था कि हम यहाँ सबसे पहले तो डिम P as a string हमने किया, and P equal to application dot worksheet function dot ran between। अच्छा, एक मिनट में बंद हो जाएगा, दोबारा ये स्टार्ट कर लीजिएगा। 1.999 ये चार डिजिट का कोई भी रैंडम नंबर P को देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू पी,
ओके और फिर यहां पे एक फाइल ओपन होता था वर्क बुक बुक्स डॉट ओपन एक पाथ से उसके पहले सीट के अंदर पाथ में और वो सीट भी प्रोटेक्टेड होता था सर